सीरीज मोटर देखते हैं हम। सीरीज मोटर में क्या बताया गया है, सीरीज मोटर की अगर स्पीड कंट्रोल करनी है हम तो फील्ड डाइवर्टर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर टैप्ड फील्ड वाइंडिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, पैरेलल फील्ड कॉइल के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चारों पैरामीटर यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर, टैप्ड फील्ड वाइंडिंग और पैरेलल फील्ड कॉइल, ये यहाँ पर फ्लक्स को कंट्रोल करने के काम आती है। तो इनके द्वारा हम फ्लक्स कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में रियोस्टेटिक कंट्रोल के द्वारा हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज कर लेंगे, मोटर इन सीरीज और पैरेलल। ये सीरीज मोटर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं फील्ड डाइवर्टर के द्वारा कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी सीरीज फील्डिंग के पैरेलल में हमने फील्ड डाइवर्टर लगा दिया। अब जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसका फ्लक्स है वो चेंज होता जाता है। अगर हम इसे जीरो कर देते हैं तो फ्लक्स पूर्ण रूप से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके हम फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हम फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करते हैं इट्स मीन स्पीड हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है कि एन प्रोपोर्शनल टू फाइव एंड जो टी का रिलेशन होता है इसमें क्या होता है, अगर फ्लक्स रिड्यूस होता है तो यहाँ पर स्पीड की इंक्रीज होती है और टॉर्क है वो डिक्रीज होता है। जैसे कि ये रिलेशन हमने देखा है यहाँ पर, जैसे कि हमने ये रिलेशन देखा है, जैसे फ्लक्स डिक्रीज होता है स्पीड इंक्रीज होती है और टॉर्क डिक्रीज होता है, यानी जो जैसे फ्लक्स डिक्रीज होता है तो टॉर्क भी डिक्रीज होती है, अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो टॉर्क भी इंक्रीज होती है। इसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर देखो, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो टॉर्क भी डिक्रीज हो रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो रिलेशन यहाँ पर काम करता है। अब देखते हैं दूसरा कि फील्ड स्ट्रेंथिंग। फील्ड स्ट्रेंथिंग के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो आरडी रेजिस्टेंस है वो लगा देते हैं, ये आर्मेचर करंट है हमारी फ्लो होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर आरडी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग के अंदर आरडी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम जैसे ही फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं इट्स मीन्स स्पीड हमारी रिड्यूस जाती है। जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा स्पीड हमारी रिड्यूस होती जाएगी। सो हम क्या करते हैं, आरडी को स्टार्टिंग के अंदर डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि फ्लक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से स्पीड है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसा हम फ्लक्स इंक्रीज करते जाएंगे स्पीड कम करते जाएंगे तो एकदम ये ऑफ हो जाएगी, तो ऐसा हम कंप्लीटली नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि फ्लक्स ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड पूर्ण रूप से कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, इसलिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में देखते हैं टैप चेंजिंग के द्वारा। टैप चेंजिंग के द्वारा भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इनके टैप चेंजिंग के द्वारा हम फ्लक्स वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज करते जाएंगे वहां वैसे वैसे यहाँ पर एन एस नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इस वजह से क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते जाएंगे, इसकी वजह से क्या है स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज है वो फ्लक्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ट्रैक्शन एप्लीकेशन के अंदर इस टैप चेंजिंग जो मेथड है फ्लक्स कंट्रोल का सीरीज मोटर के अंदर इसे हम यूज करते हैं, ट्रैक्शन एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम स्विचिंग मेथड। स्विचिंग मेथड में क्या होता है कि ये हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे पैरेलल पाथ में, जैसे स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम कब होगी क्योंकि फ्लक्स है आई ए एन एस ई के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स और आई ए। तो इसको चार पार्ट में, फील्ड वाइंडिंग को चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एन एस ई बाई फोर, 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 यानी इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड करके स्विचिंग के द्वारा इनको कनेक्ट किया जाता है। ये स्विचिंग है यहाँ पर जो ये कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई वाइंडिंग यहाँ पर खत्म हुई, फिर यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर खत्म हुई, तीसरी स्टार्ट हुई, तो इनको स्विचिंग के द्वारा, जैसे यहाँ पर ये स्विचिंग है तो स्विचिंग के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, स्विचिंग के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। स्विचिंग के द्वारा कनेक्ट करने से एन एस ई वाई फोर है ये अलग अलग चार पैरेलल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी को हम दो पैरेलल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एन एस ई वाई फोर, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आई ए है, करंट की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड होकर आई ए वाई टू हो जाती है।
तो क्या होता है, स्पीड यहाँ पर डबल हो जाती है। अगर पैरेलल पाथ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड यहाँ पर डबल हो जाती है, यानी फ्लक्स है हमारा हाफ हो जाएगा तो स्पीड हमारी डबल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है कि जैसे फ्लक्स हमारा हाफ हो गया स्पीड हमारी डबल हो जाती है। यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन है जो दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड हमारी डबल हो जाती है। जैसे कि ए टू पोल सीरीज मोटर विथ इट्स टू फील्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज रन्स एट ए स्पीड ऑफ 500 आरपीएम। इफ द फील्ड कॉइल आर रिकनेक्टेड इन पैरेलल एंड एज्यूम दैट द टॉर्क इज कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक सर्किट इज अनसेचुरेटेड द न्यू स्पीड विल बी। तो यहाँ पर नई स्पीड है वो क्या होगी, तो वो यहाँ पर निकाली हुई है सिंपली। तो यहाँ पर क्या है, फ्लक्स है वो ऑफ हो रहा है, इस वजह से स्पीड यहाँ पर डबल हो जाती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, फाइव टू की वैल्यू नया फ्लक्स निकालना हो तो करंट की वैल्यू ऑफ करके हम इस एनएसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे बैक ईएमएफ है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर स्पीड भी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है वो बैक ईएमएफ डिपेंड करती है। तो ई भी क्या हो जाता है, बी माइनस आई ए आर ए आर ई एस ई आर एक्स टी और आर ई एक्स टी हम इंक्रीज करते हैं तो ई भी डिक्रीज होता है। ई भी डिक्रीज होगा तो एन नंबर ऑफ जो स्पीड है इसकी मोटर की वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। जैसे कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये 2014 के एग्जाम में, ए डीसी सीरीज मोटर विथ ए रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 ओम रन्स एट 800 आरपीएम फ्रॉम ए 200 वोल्ट सप्लाई टेकिंग 15 एम्पीयर। इफ द स्पीड इज टू बी रिड्यूज 475 आरपीएम फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज एंड करंट द एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस क्या ऐड करें ताकि ये स्पीड है 475 हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है कि ये एडिशनल रेजिस्टेंस हम क्या कनेक्ट करेंगे ताकि ये स्पीड है वो कम हो जाए। तो स्पीड कम करने के लिए हम एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो ये फार्मूला लगा के हम बैक ईएमएफ के थ्रू स्पीड है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के अंदर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल डीसी सोर्स अप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ से ही वोल्टेज कंट्रोल कर लेते हैं, इससे फ्लक्स कैरी हो जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो मतलब कि हम वोल्टेज डिक्रीज करते हैं डीसी वेरिएबल सोर्स के अंदर, अगर हम वोल्टेज डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ए भी है बैक ईएमएफ है वो भी डिक्रीज हो जाता है, बी डिक्रीज होगा बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा, इसकी वजह से स्पीड है डिक्रीज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ईएसई 2012 के अंदर। देख जैसे डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज फीडिंग ए कांस्टेंट पावर लोड इफ द स्पीड हैज टू बी रिड्यूस 0.25 पर यूनिट। अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया 0.25 पर यूनिट देन सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस टू। तो उस टाइम क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है कितनी रिड्यूस करेगी, तो हम स्पीड रिड्यूस करें तो सप्लाई वोल्टेज भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो वो सेम पैरेलल में हम रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं तो ई भी रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से स्पीड यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या है, ये सीरीज कनेक्शन दिखाया गया मोटर का, ये पैरेलल कनेक्शन दिखाया गया है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, फ्लक्स डायरेक्ट आई के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम ईवी निकाल रहे हैं तो ईवी जो प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर ये बी बाई टू हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज है ये टू पार्ट्स के अंदर सीरीज कनेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो बी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी बाई टू के। और आई ए है वो प्रोपोर्शनल रहेगा आई ए ए आई के, क्योंकि आर्मेचर करंट है दोनों के अंदर सीरीज में है तो सेम रहती है। इसी को हम पैरेलल कनेक्शन के अंदर देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होगा, ई बी प्रोपोर्शनल दे रखा है बी के। अब फ्लक्स है, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा बी बाई टू के। आई ए है ये प्रोपोर्शनल होगा आई बाई टू के। ई बी प्रोपोर्शनल है बी के, फ्लक्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दे रखा है बी बाई टू के, आई ए है प्रोपोर्शनल होगा आई बाई टू के।
इससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एन प्रोपोर्शनल हो जाता है EV/5, एन प्रोपोर्शनल हो जाता है EV/5। एन सीरीज के अंदर क्या होगा, एन सीरीज के अंदर ये BY2 ये आई से हम डिवाइड कर देंगे, एन प्रोपोर्शनल हो जाता है EV/5। एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा EV/5, तो एन सीरीज के अंदर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू BY2 डिवाइड बाई आई, प्रोपोर्शनल हो जाएगा BY2I। एन पैरेलल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर करंट सेम रहती है, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ये BY2I हो जाता है। एन सीरीज के अंदर पैरेलल के अंदर क्या होगा, बी सेम रहेगा, आई करंट डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये हो जाएगा 2V/I। तो एन पैरेलल के अंदर स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है 4 टाइम्स NSE। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 72 है, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट बेस पर बनाए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन हमने ये देखा है, ये क्वेश्चन हमने देखा है, टू पोल सीरीज मोटर विद टू फील्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज रन एट स्पीड ऑफ 500 RPM इफ द फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अज्यूम दैट द टॉर्क इज कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अनसैचुरेटेड, न्यू स्पीड क्या होगी। तो इससे रिलेटेड IAS 1997 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट और बेस है वो 72 क्वेश्चन, जैसे कि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ए डीसी शंट मोटर इज ड्राइविंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हुज लोड टॉर्क वेरीज एज स्क्वायर ऑफ स्पीड, इसकी लोड टॉर्क है स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड के अकॉर्डिंग वेरी होती है। द पंप स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ मोटर विथ द फील्ड करंट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, फील्ड करंट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट रहने से यह वोल्टेज को हम वेरी कर रहे हैं। एट फुल लोड विद द आर्मेचर वोल्टेज इज 500 वोल्ट, इफ द आर्मेचर करंट 120 एम्पियर, द आर्मेचर वोल्टेज रिक्वायर्ड फुल लोड के लिए आर्मेचर वोल्टेज है 500 वोल्ट, यदि आर्मेचर करंट को 128 एम्पियर करना है हमें तो आर्मेचर वोल्टेज है क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली इससे निकाल लेते हैं हम कि टॉर्क है ∅ × IA की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर देखते हैं सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर फ्लक्स है वो आई पर डिपेंड करता है, IA है आई के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये होता है I2। टी सीरीज के अंदर या टॉर्क है सीरीज के अंदर I2 पर डिपेंड करती है। पैरेलल के अंदर क्या होगा, करंट है वो I/2 हो जाती है, और मेन करंट है ये फ्लक्स है I/2 पर डिपेंड हो जाता है, ये भी I/2 पर डिपेंड हो जाती है, तो I2/4 है। टी पैरेलल के अंदर ये TSI/4 यानी सीरीज की जो करंट आ रही है इससे 4 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी चार, अगर सीरीज के अंदर 1000 RPM अगर स्पीड आ रही है हमारी सीरीज कनेक्शन के अंदर, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 गुना रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। उसके बाद में जैसे कि 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि स्पीड है हमारी, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, टू पोल सीरीज मोटर के अंदर टू फील्ड कॉइल दे रखी हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं और पहले रन कर रही थी 500 RPM पर, अब क्या करना है इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, टॉर्क कांस्टेंट रखनी है, मैग्नेटिक सर्किट अनसैचुरेटेड है, तो नई स्पीड क्या होगी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, टॉर्क डिफरेंट दे रखी है, टॉर्क डिफरेंट फर्स्ट केस में क्या है IA2 होगी क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और सेकेंड में क्या होगी IA2/2 क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हो जाता है, ये फर्स्ट केस के अंदर है, सेकंड केस के अंदर है, तो IA की वैल्यू क्या हो जाती है IA/√2, तो यहाँ पर IA की वैल्यू IA/√2 हो जाएगी। अब ये कनेक्शन सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये IA/√2 है, ये 2 टाइम्स है, जब इधर से आएगी इधर भी IA/√2 आएगी, तो यहाँ पर IA/√2 आनी चाहिए। तो ये सेकंड थर्ड केस क्या हो जाती है पैरेलल के अंदर, ये IA/√2 है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 IA2, ये 2 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, IA2 के पैरेलल ये कंपेरिजन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाती है, सो नया फ्लक्स क्या हो जाता है 5/√2, सो स्पीड क्या हो जाएगी n/√2, n√2 का मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास में 500√2। तो इस तरीके से स्पीड निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखें, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है क्वेश्चन दे रखा है, यहीं से कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जैसे ESE 2014 के अंदर क्वेश्चन लिया गया है। ए डीसी सीरीज मोटर विथ रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ 1 ओम रन्स एट 800 RPM फ्रॉम ए 200 वोल्टेज सप्लाई टेकिंग 15 एम्पियर, इफ द स्पीड इज टू बी रिड्यूस्ड टू 470 RPM फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज एंड करंट
द एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये तो ये हम इस कॉन्सेप्ट पर देखें, हम सीरीज मोटर का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड, नई स्पीड पूछी है यानी अप्रोक्सीमेट सीरीज एडिशनल रेजिस्टेंस पूछा है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या काम करता है कि एक सीरीज मोटर है जिसमें रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल वन ओम दे रखा है, 800 आरपीएम पर रन कर रही है, 200 वोल्ट सप्लाई ले रही है और 1500 एम्पीयर करंट है वो ले रही है। यहाँ पर इफ द स्पीड इज टू बी रिड्यूज, अगर इसको 800 आरपीएम से 475 आरपीएम पर कर दिया जाए, सेम सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पर बात पूछी है। तो यहाँ पर जो फंडा काम करता है N2 by N1 स्पीड का, वो EV2 IV1 V2 IA2 RA+RAC+R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें, डिवाइड बाई B-IA1 RA+RAC। तो यहाँ पर हमें पता है दूसरी स्पीड 275 दे रखी है और फर्स्ट स्पीड हमारी 800 दे रखी है, इक्वल टू ये 200 - IA2 होता जाता है 15, ये हो जाता है 1+REXT डिवाइड बाई 200 - 15, ये 1 हो जाता है, तो REXT हो जाएगा हमारे पास में 500 ओम। तो ये हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर का, ये है ये वाला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर रनिंग एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज फीडिंग ए कॉन्स्टेंट पावर लोड, इफ द स्पीड हैज टू बी रिड्यूस 0.25 पर यूनिट देन द सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस, अगर स्पीड रिड्यूस कर दी तो सप्लाई वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर सिंपली, सप्लाई वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इस स्पीड में फार्मूला लगा देते हैं N2 by N1 EV2 IV1 IE1 by I2, ये हमारी 0.25 पर यूनिट आ गई है, ये हमारा EV2 IE1 है और ये हमारा IA1 by IE2 है, ये क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो ये हाफ होगी यानी 1/2 होगी, तो EV2 IE1 निकाला तो 0.5 पर यूनिट आ गया, तो ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है रिड्यूस हो जाता है 0.5 पर यूनिट। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि टॉर्क क्या डायरेक्टली IA2 होगा, ये सीरीज के अंदर होता है, तो पावर भी N IA2 होगी, P1 by P2 N2 by N1 IA2 by IA1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन दे रखी हमें कॉन्स्टेंट दे रखी पावर, ये 0.25 IA2 by IA2 से निकाल देते हैं, तो IA2 की वैल्यू 2 IA1 आ जाती है, इसके अकॉर्डिंग है यहाँ से ये 1/2 रखा है हमने। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखे हैं, जैसे कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाला, ए डीसी सेंट मोटर इज ड्राइविंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हुज लोड टॉर्क वेरीज एज स्क्वायर ऑफ स्पीड, द पंप स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ मोटर विथ द फील्ड करंट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एट फुल लोड विथ द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, द आर्मेचर करंट इज 128 एम्पियर इफ द आर्मेचर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड टू 1/√2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, RA = 0.28 ओम, ignore the effect of armature reaction and loss torque, reduction in the torque output on account of rotational losses। तो यहाँ पर हम सिंपली देखें कि डीसी सीरीज मोटर के, डीसी शंट मोटर के बारे में सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसकी लोड टॉर्क वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ इस स्पीड, पंप स्पीड कंट्रोल बाय बेयरिंग द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ मोटर, उसके द्वारा हम पंप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं विद द फील्ड करंट रिमेनिंग कांस्टेंट, फील्ड करंट यहाँ पर कांस्टेंट रहनी चाहिए, एट फुल लोड विद द आर्मेचर वोल्टेज 500 वोल्ट, द आर्मेचर करंट है वो 128 एम्पियर हो जाती है, इज द आर्मेचर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड 1/√2 एम्पियर, आर्मेचर वोल्टेज कितना जरूरत पड़ेगी स्पीड को 1/√2 रिड्यूस करने के लिए, जबकि ओरिजिनल आरए की वैल्यू रखी है 0.28 पर यूनिट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड लॉस टॉर्क है यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, तो डायरेक्ट ही हो जाता है गिवन दे रखा है स्पीड स्क्वायर टॉर्क है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दे रखी है, और ये जनरली होता है टॉर्क है IA2 के प्रोपोर्शनल होती है, तो N2 IA2 हो गया, यहाँ से N2 IA2 यहाँ से निकल गया, तो ये स्पीड है 1/√2 दे रखी है, IA2 IA1 निकालना था, IA2 की होगी IA1/2, अगर इसी को हम यहाँ पर फुट कर देते हैं N2 by N1, तो EV2 IE1 क्या हो जाता है B2 - IA2 RA / V1 - IA1 RA, तो ये 1/√2 स्पीड दे रखी है, B2 - IA2 RA है हम निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है IA2 क्या हो जाएगा 2 times IA1, तो IA1 यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 128 एम्पियर, जैसे कि यहाँ पर IA1 दिया हुआ है 128 एम्पियर है ये दिया हुआ IA1, इसका आप कर देते हैं 64 into multiply 0.28,
तो 0.28 आर्मेचर रेजिस्टेंस है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 0.28 आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड 1/√2 दे रखी है, तो ये हम वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, डिवाइड बाई 500 जो भी कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 500 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है 500 वोल्ट, ये 500 वोल्ट दिया हुआ है एट फुल लोड विद द आर्मेचर वोल्टेज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट भी दे रखा है यहाँ पर, माइनस IA 1.28 एम्पीयर दे रखा है और ये 0.28 दे रखा है, तो इसे B2 हम निकाल लेते हैं 346 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन है वो कौन सा है, जैसे कि ये 57 क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, गेट 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ए 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटिंग एट ए स्पीड 440 आरपीएम, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड आर्मेचर करंट इज 10 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम एंड आर्मेचर करंट दे रखी है 10 एम्पियर, इफ द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन इज रिड्यूज बाय 10% देन द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू बी पुट इन द आर्मेचर सर्किट टू मेंटेन द सेम स्पीड एंड टॉर्क विल बी। तो यहाँ पर सिंपली हम देखें कि 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है ऑपरेटिंग एट ए स्पीड 440 आरपीएम, डीसी शंट मोटर दे रखी है, स्पीड दे रखी है 440 आरपीएम, दी आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 1 ओम एंड आर्मेचर करंट है वो 10 एम्पियर दे रखी है। इफ द एक्साइटेशन ऑफ मशीन रिड्यूस्ड बाय 10%, अगर मशीन का एक्साइटेशन 10% से रिड्यूस कर दिया जाए, दी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू बी पुट इन आर्मेचर सर्किट टू मेंटेन द सेम स्पीड एंड टॉर्क विल बी। तो यहाँ पर देखें कि हमें सेम स्पीड मेंटेन करनी है तो एक्साइटेशन कितना रिड्यूस करते हैं, एक्साइटेशन रिड्यूस करना है इसका मतलब 5T रिड्यूस बाई 10% N2/N1 EB2/EB1 5/1/2, तो 5/2 हो गया 0.951 N2 इक्वल टू N1 का होना ही है क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड है कॉन्स्टेंट दे रखी है, तो EB1 क्या हो जाएगा 220 - 10 × 1 तो ये 210 वोल्ट हो जाएगा, तो EB2 हो जाता है 189 वोल्ट, T2/T1 5/2/5/1 IA2/IA1 तो यहाँ पर 5/2 है 0.951 दे रखा है, टॉर्क अगर कॉन्स्टेंट कर देते हैं IA1 10 एम्पियर दे रखा है तो IA2 क्या हो जाएगा 11.11 एम्पियर। तो इससे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं कि EB हमारे पास में आ गया 189 और B हमारे पास में 220 आ गया, IA से निकाल देते हैं तो IA RA प्लस REXT से निकाल लेते हैं तो 11.11 प्लस REXT तो ये REXT हो जाती है 1.79 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है ESC 2005 का क्वेश्चन है। ए 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड, आर ए इक्वल टू 0.5 ओम्स, आर एफ इक्वल टू 200 ओम्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड व्हेन द डीसी शंट मोटर टेक्स 50 एम्पियर ऑन फुल लोड। तो सिंपली बात ये रखी है यहाँ पर कि 400 वोल्ट पर शंट मोटर है, 5 एम्पीयर करंट नो लोड कंडीशन में ले रही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है, फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड व्हेन द डीसी मोटर टेक्स 50 एम्पीयर ऑन फुल लोड, फुल लोड पर अगर 50 एम्पीयर ले रही है तो क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में नो लोड पर 5 एम्पीयर दे रखी थी, फुल लोड पर 50 एम्पीयर दे रखी है, तो ये 5 एम्पीयर ले रखी थी, 400 वोल्ट स्टार्टिंग में दे रखा था, ये 200 ओम दे रखा है और हमें ये क्वेश्चन में 200 ओम दे रखा है और आर ए है 0.5 ओम दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 200 ओम दे रखा है, ये 0.5 ओम दे रखा है, तो 0.5 से ये निकाल लेते हैं, ये 5 एम्पियर है तो यहाँ पर क्या होगा 2 एम्पियर और यहाँ पर क्या जाएगी 3 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट जा रही है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट सोर्स है, नो लोड कंडीशन के अंदर क्या होगा 5 एम्पियर में से टोटल करंट डिवाइड होगी तो ये 200 है, ये 3 एम्पियर यहाँ पर करंट आ रही है, इसके अकॉर्डिंग ईवी निकाला हमने, ईवी क्या हो जाएगा 400 - 3 × 0.5, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 398.5। तो सिंपली यहाँ पर क्या दे रखा है कि नो लोड की कंडीशन के अंदर 5 एम्पियर करंट आ रही है तो ये 200 ओम दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाती है, नो लोड की कंडीशन में ये भी क्या होगा 400 - 3 × 0.5 यानी 398.5।
लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, यही करंट है 48 एम्पियर यहां पर आएगी, 48 एम्पियर करंट आएगी, तो ईवी हमारा हो जाएगा 400 माइनस 48 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हो जाएगा 375। N2/N1 क्या हो जाएगा, 376 डिवाइड बाई 398.5, तो ये 0.94 आंसर आ जाता है हमारे पास में, तो ये आंसर है 0.94 आंसर आ जाता है। इसी तरीके से इसी इन्हीं कॉन्सेप्टों पर बेस है और क्वेश्चन देखें हम, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉमोटेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर रन्स एट 1000 RPM एट नो लोड, ऑन फुल लोड द फ्लक्स इंक्रीज बाय 10%, वेयर इज द फुल लोड ड्रॉप इन द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड इज 5%, नेगलेक्टिंग द मैग्नेटिक सैचुरेशन फुल लोड स्पीड विल बी नियर बाय। फुल लोड स्पीड क्या होगी, जबकि पहले 1000 RPM नो लोड पर यह ऑपरेट कर रही थी, और फ्लक्स यहाँ पर 10% रिड्यूस कर दिया गया है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड है वो 5% है, वो ड्रॉप हो गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली देखें N2/N1, EV2/EV1 और 5/1/5/2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, N2/N1 पहले दे रखा है 1000, ये EV2 है 0.5%, जैसे कि फ्लक्स रिड्यूस हो गए हैं ड्रॉपिंग वगैरह, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड है 5% रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 0.95 ईवी हो गया, ईवी हो गया, ये 5/1 है, फ्लक्स 10% रिड्यूस हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब कि 5/1, 5/2 है 1.151 हो गया, क्योंकि ये फ्लक्स है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये नीचे वाला 1.151 आएगा, क्योंकि 5/2 है 1.1 हुआ है, और ये ड्रॉपिंग हुई है यहाँ पर, तो ड्रॉपिंग यहाँ पर हुई है फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो इसका अकॉर्डिंग है EV2 के अंदर EV1, तो ड्रॉपिंग जैसे ही हम करते हैं तो EV2 के अंदर यहाँ पर ड्रॉपिंग हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग N2 की स्पीड है वो आ जाएगी 863 RPM, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 863 RPM। IAS 1996 का क्वेश्चन है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में 36, ये क्वेश्चन है गेट 2006 का। ए 220 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाईज 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट एज ए जनरेटर, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करेंट बट विथ द फ्लक्स इंक्रीज बाय 10%, द रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड इज। तो यहाँ पर सिंपली देखें कि एक डीसी मशीन, डीसी सप्लाई मशीन दे रखी है, 220 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई 20 एम्पीयर एट 200 वोल्ट एज ए जनरेटर, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट बट विथ द फ्लक्स इंक्रीज बाय 10%, अगर हम फ्लक्स 10% इंक्रीज कर दें, देन द रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड क्या होगी। तो सिंपली हम देखें कि N2/N1 EV2/EV1 प्रोपोर्शनल होगा 5/1/5/2, तो ये EG है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 5/N, EV है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5/N। इसके अकॉर्डिंग देखें EG के लिए क्या हो जाते हैं, B+IAR, तो B+IAR क्या होता है 200 वोल्ट 200 + 20 0.2, तो ये हो जाता है 204 वोल्ट। इसी के अकॉर्डिंग ईवी देखें तो ईवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जनरेटर के अंदर होता है, ये मोटर के अंदर होता है, तो मोटर के अंदर भी B-IAR है तो 196 वोल्ट हो जाता है। तो सिंपली हम देखें कि इन मोटर वाइज जनरेटर की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाता है 196 डिवाइड बाई 204, और ये फ्लक्स है 1.151। फ्लक्स 1.151 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है 10% हो गई है, तो सिंपली मशीन को हम मोटर की तरह ऑपरेट करवा रहे हैं, जनरेटर को मोटर की तरह ऑपरेट करवा रहे हैं, तब स्पीड के अंदर वेरिएशन देखना है हमें। तो इस कंडीशन में हम मोटर बाय जनरेटर की रेशियो निकालते हैं, तो ये 0.87 आ रहा है, तो ये 0.87 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जैसे कि 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर है क्या, सिंपली कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है IAS 2002 के अंदर, द सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए शॉर्ट शंट कंपाउंड कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर गेट्स इंटरचेंज बाई मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग है शॉर्ट शंट कम्यूटेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर की, वो इंटरचेंज कर दी गई बाई मिस्टेक। ऑन सप्लाइंग रेटेड वोल्टेज दी मोटर शुड बी, तो मोटर की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो यहाँ पर शॉर्ट शंट कम्यूटेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर की
सीरीज ऑफ सेंट्रल फील्ड वाइंडिंग है इंटरचेंज कर दिया, नॉर्मल स्पीड पर रन करेगी या रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी या रन एट डिफरेंशियली कंपाउंड या रन ही नहीं करेगी। तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन है इसके बारे में बताया गया है कि ये अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर रन ही नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या दे रखा है कि सीरीज ऑफ सेंट्रल फील्ड वाइंडिंग ऑफ शॉर्ट सेंट, ये शॉर्ट सेंट है, इसकी सीरीज ऑफ सेंट्रल फील्ड वाइंडिंग को एक्सचेंज कर देते हैं तो ये 100 ओम हो जाता है, जबकि 1 ओम होना चाहिए उसकी जगह 100 ओम हो जाता है, तो सारी करंट यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगी, यहाँ पर आई करंट फ्लो होगी, तो इसकी वजह से ये रन ही नहीं करती है इस कंडीशन के अंदर। अभी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है और एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड करंट कंट्रोल, यूज ऑफ डायवर्टर रेजिस्टेंस और स्टैटिक कंट्रोल। इसके अंदर सिंपली क्वेश्चन है वो दे रखा है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी मेथड है हम यूज करते हैं, कौन सी स्पीड पर इन मेथड को हम यूज करते हैं। तो सिंपली देखते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्पीड बिलो बेस स्पीड से हमें कंट्रोल करनी हो तो हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूज करते हैं, यानी ए में टू या बी और टी में से ऑप्शन एक होगा। फिर हम फील्ड करंट कंट्रोल कब यूज करते हैं, फील्ड करंट कंट्रोल हम कब यूज करते हैं, जब स्पीड अबव बेस स्पीड, फील्ड करंट कंट्रोल बेस स्पीड से ऊपर के लिए, आर्मेचर वोल्टेज करंट बेस स्पीड से नीचे के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, वन, तो वन क्या आ रहा है, यह बी ऑप्शन होगा। फिर देखते हैं यूज ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस, यूज ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस कब यूज करते हैं, जब हमें स्पीड कंट्रोल करते हैं सीरीज मोटर के अंदर तब हम डाइवर्टर रेजिस्टेंस से यूज करते हैं। फिर रियोस्टेटिक कंट्रोल कब यूज करते हैं, पुअर मोटर एफिशिएंसी के अंदर हम रियोस्टेटिक कंट्रोल है वो यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कहाँ यूज करते हैं अगर स्पीड बिलो बेस स्पीड कंट्रोल करनी है, फील्ड करंट कंट्रोल कहाँ यूज करते हैं स्पीड अबव बेस स्पीड कंट्रोल करनी है, यूज ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस कहाँ यूज करते हैं, यूज ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो यूज ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस है वो हम सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर में यूज करते हैं। उसके बाद में रियोस्टेटिक कंट्रोल कहाँ यूज करते हैं, पुअर मोटर एफिशिएंसी कंट्रोल करने के लिए हम रियोस्टेटिक कंट्रोल है वो यूज करते हैं।